इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों, कैसे आप घर बैठे बैठे अपने आधार को अपने बैंक अकाउंट के साथ लिंक कर सकते हैं। आपको बैंक जाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। इसमें कुछ बैंक इस फैसिलिटी को प्रोवाइड करते हैं, तो इसके लिए आपको सबसे पहले मैसेज वाले ऑप्शन पर जाना है। यहाँ पे आपको प्लस के आइकन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको जो मैसेज सेंड करना है वो सेंड करना है 567676 पे। तो आपको इस नंबर को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको मैसेज में टाइप करना है UID, उसके बाद आपको स्पेस करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर डाल देना है। 12 डिजिट का होगा आपका, तो यहाँ पे मैंने उसको डाल दिया, ठीक, ओके। उसके बाद आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर डालना है जो कि आपको बैंक के साथ लिंक करना है। तो यहाँ पे मैं अपना अकाउंट नंबर डाल देता हूँ। तो यहाँ पे कुछ बैंक इस फैसिलिटी को प्रोवाइड नहीं करते हैं, तो आपको एक बार ट्राई कर लेना है। अगर हो जाता है तो बेटर है। और एक कंडीशन मैं बता देता हूँ, आपके अकाउंट में जो मिनिमम बैलेंस होना चाहिए वो 3 रुपये से मैक्सिमम होना चाहिए। यहाँ पे देखिए, पहली बार मैं कर रहा था, नहीं हो रहा था, मेरे अकाउंट में 2 रुपये थे, तो मैंने यहाँ पे मैसेज भेज दिया। अभी देखते हैं कोई मैसेज उधर से आया कि नहीं। अभी तो फिलहाल कोई मैसेज नहीं आया मुझे, मैंने भेज दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप मैसेज भेज सकते हैं। इस तरीके से आपका जो बैंक अकाउंट है वो आपके आधार नंबर के साथ लिंक हो जाएगा। ये आधार कार्ड के वेबसाइट पर जाता है, उनके जो आधार कार्ड की वेबसाइट होती है यानी कि UIDAI जो उनकी संस्था है, और आपके बैंक के द्वारा वहाँ पे वेरीफिकेशन करेगी, ठीक है। वेरीफिकेशन के बाद वो लोग अगर उनको मतलब सारे डिटेल मैच होती है तो बैंक के द्वारा अगर वेरीफाई कर लिया UIDAI ने जो उनकी आधार की संस्था है, तो आपका जो आधार नंबर है वो आपके बैंक अकाउंट के साथ लिंक कर दिया जाता है। तो बहुत ही आसान है, इसे आप कर लिए। अगर आपको इनकेस कोई दिक्कत होती है तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं।